वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचटीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, पशुपालन प्रसार विषय में चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में या इससे पूर्व का जो हमारा पीरियड था उसमें हमने पशुपालन प्रसार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पशुपालन विभाग के उद्देश्य क्या है, जो हमारा विभाग है पशुपालन जिसमें हम काम करते हैं, उस पशुपालन विभाग के क्या उद्देश्य है। तो पशुपालन जो है विभाग जो है पशुओं का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना और उनके उत्पादों में अभिवृद्धि करना, इनके कार्यों को लेकर जो विभाग हमारा कृत संकल्प है, हमारा विभाग ये काम करता है। पशुपालन का पशुधन का संरक्षण यानी उनको संरक्षित करना, उनकी जो संतति उसको बचा के रखना, प्लस संवर्धन का मतलब उनको पालना पोषना कैसे करते हैं उसको, उसका मतलब संवर्धन का मतलब ये है पशुओं को पालना, एक विकास उनका विकास करना यानी उनमें आगे जनन क्रिया द्वारा उनके और आगे बच्चे पैदा करना, अच्छी अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करना और उनके उत्पाद जैसे दूध है या अंडे है ऊन है उसमें अभिवृद्धि करना, ये काम जो है विभाग हमारा सतत रूप से कर रहा है। अब इसमें जो विभाग के उद्देश्य है पशुपालन के लिए वो क्या क्या है, वो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य पशु स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, यानी हमारा विभाग जो है पशुपालन विभाग में जो हमारी विभिन्न संस्थाएँ हैं, हॉस्पिटल है, लेबोरेटरीज है या फिर हमारी पशु पशु प्रयोगशाला है, जितनी भी संस्थाएं हमारी विभाग की है पशुपालन विभाग की, वो सभी जो है उनके माध्यम से हम पशुओं का टीकाकरण करते हैं ताकि उनमें बीमारियां नहीं आए, पशुओं का उपचार करते हैं, बीमार पशुओं का उपचार करते हैं, रोग निदान करते हैं यानी पशुओं में पता लगाते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है जिसके लिए हमारी प्रयोगशालाएँ कार्यरत है, और हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, पशुओं का संरक्षण करते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। दूरस्थ गांवों में हम जो है मोबाइल द्वारा पशुओं की चिकित्सा और उनके पशुपालकों को लाभान्वित करते हैं, चिकित्सा करते हैं मोबाइल वेन द्वारा। पशुधन की उत्पादन अभिवृद्धि यानी पशुधन उत्पाद अभिवृद्धि, जितने भी पशुओं से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है, दूध है, ऊन है, मांस है, अंडा है इत्यादि उत्पादों की अभिवृद्धि कर रहे हैं, हमारा विभाग ऐसे काम करता है जिससे इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी हम जो पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, उनको स्वस्थ रखते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं, उनके अंदर प्रजनन की क्रिया करवाते हैं, उनको अच्छी नस्ल के जर्म प्लास से उनको नए दूध करते हैं या उनको ब्रीडिंग करवाते हैं, जो बधियाकरण करते हैं जिससे मतलब नकारा सांडों का बधियाकरण करना, पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पालने के तरीके पशुपालकों को बताना, पशुपालकों को पालन पोषण के बारे में प्रशिक्षण देना और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को पशुपालकों तक पहुंचाना, टीकाकरण इत्यादि द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, पशु चिकित्सा कर्मचारियों पशुपालकों को जो पशु चिकित्सक है या कर्मचारी है पशुपालन के उनको पशुपालन की नई नई तकनीक के बारे में जानकारियाँ देकर प्रशिक्षण देना, जिससे वो पशुपालकों को उसका फायदा देकर उनके उत्पादन को पशुधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्नत पशु प्रबंधन यानी पशुपालन विभाग जो है वो पशुपालकों को आदर्श पशुपालन प्रबंधन पशु पोषण की तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। पशुपालन विभाग जो है पशुपालकों को आदर्श तरीके बताता है पशुओं को पालने के, विषम परिस्थितियों में पशुओं को किस प्रकार से संरक्षित और संवर्धन कर सकते हैं उसकी जानकारी उनको देना पशुपालकों को, पशु नस्ल सुधार का कार्य करते हैं यानी पशुओं की नस्ल सुधार तो पशु प्रजनन नीति लागू है। आपको पता है मैंने आपको पहले भी एक बार जो है एक्सटेंशन शुरू की थी उसमें मैंने आपको बताया था हर जिले की और भारत में हर स्टेट की अलग अलग प्रजनन नीति है। प्रजनन नीति का मतलब है कि अमुक जिले में गाय की अमुक नस्ल का प्रजनन करवाना है, यानी उनकी अलग अलग ट्रैक में अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं। अगर आप गंगानगर जिले को लो तो यहाँ थारपारकर गाय है, राठी गाय है, हनुमानगढ़ जिला लो तो वहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय है, प्लस
वहाँ पे राठी और साहिवाल गाय है, गंगानगर में भी साहिवाल गाय है, बीकानेर में राठी गाय है। ऐसे ही मतलब क्या है कि हमारा गंगानगर जिले का जो सीमावर्ती इलाके वहाँ थारपरकर गाय हैं, कहीं पे एक नागौरी गाय है, नागौर में नागौरी गाय हैं, कहीं पे कांकरेज है बाड़मेर में। तो उस एरिए में सिर्फ कांकरेज की ही गायों का सीमन यूज़ करते हैं, यानी उनकी ही विवृद्धि करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रजनन नीति। तो हर जिले की पशुओं की, हर नस्ल की प्रजनन नीति अलग अलग निर्धारित की हुई है। पशु प्रजनन नीति के अनुसार ही कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक परिसेवा द्वारा उन्नत नस्लों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। बध्याकरण द्वारा जो है अवांछित प्रजनन को रोकते हैं, यानी जो अच्छी नस्ल के सांड नहीं है उनका हम बध्याकरण करते हैं, जिससे क्या है नस्ल खराब नहीं होती है। पशु पोषण सुधार, हमारा विभाग जो है पशुपालन विभाग जो है वो पशुपालकों के पशुओं को श्रेणीवार उनकी श्रेणी के अनुसार पोषण, कम लागत एवं अधिक उत्पादन, सामान्य एवं विषम परिस्थितियों में चारा प्रबंधन आदि की वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके लिए जो है पशुपालकों के पशुपालकों के जो पशु आहार है उसकी नियमित विश्लेषण करवाए जाने की जानकारी देता है। हमारे जयपुर के अंदर पशु पोषण प्रयोगशाला है राज्य स्तरीय, जहाँ पे पशु पोषण के लिए जो जितने चारे हैं, दाने हैं या फीड है उनका वहाँ पे जांच की जाती है, जिससे उनमें न्यूट्रिटी वैल्यू का पता लगता है, और भी कोई उसमें खराबी होती है तो वो भी वो बता देते हैं। उन्नत विपणन व्यवस्था, हमारे विभाग द्वारा 10 पशु मेले लगते हैं, राज्य स्तरीय मेले लगते हैं, दूसरे और भी छोटे छोटे मेले लगते हैं नगर पालिकाओं द्वारा, तहसील लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर, उनमें पशुपालकों को पशुपालन के मेलों में पशु खरीदने में फरोख्त में सहायता करते हैं, प्लस उनके वहाँ पे भी मतलब के प्रतियोगिता करवाते हैं, उपचार की व्यवस्था करते हैं और उनको सहयोग प्रदान करते हैं तकनीकी मेलों में, उनको लाभान्वित करते हैं। प्रचार प्रसार, जितनी भी पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं जो पशुपालकों के लिए लाभदायक हैं, जैसे मान लो बीमा करना है पशुओं का, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करना है, पशुओं में बीमारी से रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि करना है, या मेले लगाने हैं, प्रतियोगिताएं करानी है, पशुओं के लिए कैंप लगाने हैं, इन सब का जो भी नई नई तकनीक आज के टाइम में जो चल रही है या जिनके लिए काम किया जा रहा है, उन सब की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य जो है विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये 7 उद्देश्य थे विभाग के, पशुपालन विभाग के। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 7 उद्देश्य कौन से, उनके नाम लिखो, एक का वर्णन करना पड़े तो वर्णन कर सकते हो आप, अगर आप इसको समझ पाओगे तो। अब हम विभागीय कार्यक्रम और योजनाएं जो उनके बारे में अध्ययन करेंगे विभाग की। पशुपालन विभाग जिसके में आप लोग जो पशुधन सहायक का डिप्लोमा करने के बाद में पशुपालन विभाग में नौकरी करोगे, या आप डेयरी में नौकरी करोगे, या जो भी पशुपालन का क्षेत्र है उसमें आप सरकारी नौकरी करना पसंद करोगे, नहीं सरकारी नौकरी मिले कोई फार्म में लगोगे, कोई और धंधा करोगे, कोई बिजनेस करोगे, कोई पशुपालन से संबंधित काम करोगे, गौशाला में काम करोगे, तो आपको विभाग के कार्यक्रम योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि एक आप खुद भी तो समझ पाओ पर लोगों को इसके बारे में समझा पाओ कि हमारा विभाग क्या क्या काम करता है। तो डिपार्टमेंट की जो प्रोग्राम या स्कीम है वो हम एक एक करके देंगे। पहली स्कीम है विभाग की, विभाग जो काम करता है वो पशु स्वास्थ्य सेवाओं का काम करता है, यानी पूरे राजस्थान में हमारे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, पशुधन विकास उपकेंद्र और प्रयोगशालाएँ, संभाग स्तरीय प्रयोगशालाएँ, राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएँ, हमारे मतलब क्या है कि फीड को एनालिसिस करने के लिए प्रयोगशाला है, मतलब पशु पोषण प्रयोगशाला है, मुर्गियों की बीमारी के लिए भी मतलब क्या है पोल्ट्री डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है जयपुर में, अजमेर में भी है, वहाँ पे ट्रेनिंग दिलाई जाती है पशुपालकों को मुर्गी पालन के बारे में। ऐसी कई संस्थाएं जो है वो मोबाइल यूनिट्स हैं जिसमें डॉक्टर और स्टाफ बैठ के उन गांव में जाता है जहाँ पे चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वहाँ पे गाड़ी में दवाइयाँ भर के ले जाते हैं और वहाँ पे पशुओं का रोगी पशु उपचार करते हैं, एक रूट चार्ट बना लेते हैं। ये पशु चिकित्सालय की संस्थाएँ जो हमारी चिकित्सा के लिए संस्थाएँ, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय,
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय और पशु स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये पांच प्रकार के हैं। तो अब इनकी संख्याएं अलग अलग दी हुई है। जैसे हमारे राजस्थान में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय 35 है, यानी वो पशु चिकित्सालय जहाँ पे सभी प्रकार के उपचार किए जाते हैं, जैसे सर्जरी भी की जाती है, गायनोकोलॉजी के केस अगर मान लो पशु व्याधि रोग के हैं तो उनको भी वहाँ उपचार किया जाता है, पशुओं के अगर कोई बीमारी है मेडिसिन विभाग जो है ना, औषधि विभाग बोलते हैं उसको, वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। यानी एक छत के नीचे सारे विषय विशेष के डॉक्टर वहाँ होते हैं। जो हमारा गंगानगर का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है वो पुरानी आबादी में स्थित है, ताराचंद वाटिका के पास में या लीला धर्मशाला के पास में, आप देखा होगा, नहीं देखा तब आप उसको जब हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ले जाए तो आपको ये दिखाएंगे। तो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जिसका जो इंचार्ज होता है वो डिप्टी डायरेक्टर एक अधिकारी होता है, फिर सीनियर वेटनरी ऑफिसर होते हैं, वेटनरी ऑफिसर होते हैं, वीए, एलएसए, सईस, वाटरमैन, स्वीपर, कई पोस्टें होती है। तो ये हमारे राजस्थान में 33 जिले हैं, हर जिले में एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कार्यरत है। लेकिन जयपुर में दो पशु चिकित्सालय है, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जयपुर में दो है, एक 5 बत्ती पे है और एक हिंगोनिया गौशाला है उसके अंदर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है। ऐसे ही जोधपुर में दो है, एक रातानाडा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय रातानाडा और एक वहाँ पे कोई जगह है नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पे ही है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जोधपुर में दो है। तो कुल मिला के 35 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, 786 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, 1709 पशु चिकित्सालय है और 198 पशु औषधालय है और 5638 पशु धन विकास उपकेंद्र है। तो हॉस्पिटल में तो पशु चिकित्सालय में वेटरी ऑफिसर बैठता है इंचार्ज जो है, और प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में सीनियर वेटरी ऑफिसर बैठता है, पशु औषधालय का इंचार्ज जो है वीए होता है, वीए पशु चिकित्सा सहायक जिसे बोलते हैं, और उपकेंद्र का इंचार्ज जो है वो एलएसए होता है, पशुधन सहायक। ऐसे ही मतलब क्या है, अगर हरेक जिले में 5 जो है 27 जिला रोग निदान इकाई है हमारे राजस्थान में, 27 जिलों में जिला रोग निदान इकाई स्थित है जहाँ पे पशुओं की बीमारियों की जांच की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं रोग के बारे में, प्रयोगशाला आप जानते हो। और जो हमारे RDDC यानी 6 क्षेत्रीय रोग प्रयोगशाला, क्षेत्रीय यानी ये क्या रीजनल लेवल पे है, जैसे उदयपुर में है एक, उदयपुर में है एक, अजमेर में है, जयपुर में है, कोटा में है, भरतपुर में है और बीकानेर में है, ऐसे कर 6 जहाँ क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वहाँ पे जिला स्तरीय प्रयोगशाला नहीं है, वहाँ पे क्षेत्रीय प्रयोगशाला ही काम करती है। और एक हमारी राज्य स्तरीय रोग निदान प्रयोगशाला है वो जयपुर में है। पशुओं की बीमारियां जो होती संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम के लिए टीके हमारे विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको वैक्सीन तैयार की जाती है, वो की जाती है जयपुर में बीपी लैब में, यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं बीपी लैब, यानी पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन प्रयोगशाला, ये जयपुर में स्थित है पशुओं में। ये तो हो गया जांच के बारे में। और दूरस्थ क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास मोबाइल की यूनिट है, प्लस जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है उनके भी रेफरल रूट है, ताकि उनके रूट भी रखते हैं, वो वीक में एक या दो दिन उस रूट पे जाते हैं, एक डॉक्टर जाता है साथ में, कंपाउंडर जाते हैं, दवाइयाँ ले जाते हैं और उस रूट पर जहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं वहाँ पे वो कैंप लगाते हैं और उन पशुओं का रूट में आने वाले पशु बीमार पशु उपचार करते हैं। तो ये था पशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हम देते हैं। भ्रमणशील शल्य चिकित्सा बांसबन इकाई, मोबाइल वेटनरी सर्जिकल यूनिट और मोबाइल वेटनरी सर्जिकल यूनिट, यानी जो रीजन लेवल पे भी मोबाइल यूनिट है, प्लस जिला स्तर पे भी एक एक दो दो मोबाइल यूनिट है वहाँ पे, उनमें भी मतलब विषय विशेष के डॉक्टर या वेटनरी ऑफिसर कार्यरत है, वो उनका एक रूट निर्धारित है, वो हर बार को वीक में 5 बार या 5 बार को वो ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं
निर्धारित रूट पे, जिसमें आने वाले गांव वाले लोग जो हमको सूचना देते थे पहले से, सरपंच वगैरह को, कि इस गांव में हमारी मोबाइल की टीम इस तारीख को आएगी, उसमें एक डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह जो स्टाफ है दवाइयों के साथ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक जगह पे गांव में किसी जगह पे अच्छी जगह पे पंचायत के बीच में बैठते हैं, वहाँ पे पशु बीमार होते हैं बुलाते हैं, उनका इलाज करते हैं, वापस जाते हैं। यानी उन पशुओं का उन गांव में इलाज करते हैं जहाँ पे पशु चिकित्सा संस्था हमारी नहीं होती है। एक होता है रेबीज नियंत्रण इकाई है अजमेर में और जयपुर में स्थित है रेबीज नियंत्रण इकाई, जहाँ पर रेबीज का उपचार किया जाता है और रेबीज के लिए टीके जो है फ्री में लगाए जाते हैं। रोग निदान इकाई है, ये मैंने आपको बता दिया था कि रोग निदान इकाई जो है पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के रोगों का पता लगाने के लिए रोकथाम के लिए प्रयोगशाला स्थापित है, जिलों में स्थापित है, प्लस रीजनल लेवल पे है, प्लस स्टेट लेवल पे है। इनकी संख्या मैंने आपको बता दिया सर। इनका काम जो है राज्य रोग निदान केंद्र जयपुर में है और इनका काम जो है वो एडमास परियोजना, FMD परियोजना। एडमास का मतलब होता है जो बीमारियां संक्रामक रोग होते हैं उनकी सर्वे की जाती है और फिर वो सूचना जयपुर भेजते हैं, जो भारत सरकार को भेजी जाती है। इसके अलावा जो है क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं 6 हैं जो अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर में स्थित है। जिला रोग निदान प्रयोगशाला 27 है जो हर जिले में एक है, सिर्फ आपके जिला मुख्यालय पर स्थित है, जिनमें क्षेत्रीय जो 6 है उन जिलों को छोड़ के। तो एक राज्य स्तरीय कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, ये मतलब क्या है, कुक्कुट के अंदर जो रोग होते हैं उनकी जांच के लिए प्रयोगशाला है, ये जयपुर में स्थित है और इसमें सारे मुर्गियों संबंधित काम किए जाते हैं। बाकी उनके चूजे वगैरह तैयार करते हैं, लोगों को चूजे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ भी योजनाएं चलती है पोल्ट्री की वहाँ पे, और उनके रोग निदान की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पे। मुर्गी कहीं बीमार होती है, कोई बीमारी संक्रामक बीमारी ऐसी है जिसका पता नहीं चल, उसका सैंपल वगैरह वहाँ भेज के उसका पता लगाया जा सकता है। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल जो नेक्स्ट योजना है उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।